दोस्तों, अगर आप झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छे पोस्ट ऑफिसर के लेवल पे, तो देखिए आपको जो है वैकेंसी आ चुकी है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, देखिए रांची इनका ऑफिस दिया गया है, रांची, और हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इसमें जाना है तो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, और इसके लिए आपको IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। देखिए IBPS का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो चलिए जान लेते हैं कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कितनी सीट हैं, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक में जाने का शौक बहुत से लोगों को होता है, ठीक है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए। तो उम्र की बात सबसे पहले आएगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत, नेपाल, भूटान सब यहाँ कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो है उम्र यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक मतलब कुछ पोस्ट है जिनमें 21 साल होने चाहिए, जैसे कि स्केल 3 के जो पोस्ट है, जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और कुछ पोस्ट में 18 साल भी है, और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका ऑफिसर स्केल 2, जो कि मैनेजर की पोस्ट है, इसमें 21 साल से 32 साल के बीच लिया जाएगा। फिर है आपका ऑफिस स्केल, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की है, इसमें आपके 18 साल से लेकर के 30 साल के कैंडिडेट को लिया जाएगा। और फिर है आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसमें 18 से 28 साल के कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर बोला गया है कि आपकी उम्र की गणना 1/6/2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, ये उम्र संबंधित हैं, और छूट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं रिजर्वेटिंग कैंडिडेट को। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितनी मांगी है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए जो पहली पोस्ट है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, इसमें बोला गया है कि सिंपली आप ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी, ठीक है, चल जाएगा। साथ ही आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, मैं तो झारखंड को लेकर बोल रहा हूँ, तो झारखंड का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन, वहाँ की भाषा और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये चीज़ सभी में आपका कॉमन जैसा ही है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हम लोग की, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे और डेट क्या रहने वाली है, ठीक है, ये दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कुछ पद जो हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे कि आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिस जो स्केल 1 है असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी आपका स्केल 2, ऑफिस स्केल 2, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। फिर आपका ऑफिस स्केल 2, जो कि आपका मैनेजर की पोस्ट है, इसमें भी मांगा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में नहीं मांगा गया है, इसको अच्छे से देख लेना है। सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरने का डेट क्या है और फीस कितनी लगनी है। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बोला गया है, एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आपका जो बोला गया है, आपका 1/6 फॉर्म आप भर सकते हैं 1 जून से, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट और फॉर्म सब लगभग सेम डेट है, 1/6/2023 से लेकर के आपका 21/6/2023 के बीच में, और यहाँ पे डेट बोला गया है। साथ ही आपको जो है, अगर आप ₹175 लेंगे GST STSC के साथ, ठीक है, STSC और PW कैंडिडेट को ₹175 देने होंगे, प्लस आपको GST चार्ज देना होगा, ठीक है, ऑफिस स्केल 1, 2 और 3 पोस्ट के लिए। साथ ही इसमें ₹850 लगेंगे आपके जनरल और जितने भी अदर कैंडिडेट बचते हैं, जनरल OBC, उन सभी के लिए। फिर ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है, उसमें भी सेम फीस स्ट्रक्चर है, और बाकी सब के लिए देख सकते हैं, तो बाकी सब के लिए भी सेम है। यहाँ पे सिलेबस को डिटेल में बताया गया है, फॉर्म को भरने का अब हम डेट आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया, इस फॉर्म को आप वही सेम डेट है जो फीस स्ट्रक्चर का था, कि 1/6/2023 यानी कि 1 जून 2023 से लेकर के 21 जून 2023 तक के बीच में इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। फॉर्म आपका केवल और केवल कंप्यूटर पे भरा जाएगा, यह फॉर्म मोबाइल पे नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। और अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव कोई भी हो ग्रेजुएट, जो BA BCOM या BSc कुछ भी किया हो, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनके भेजने से वो फॉर्म भरें और सिलेक्शन भी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई, इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक अपडेट को देता रहूँगा, ठीक है, थैंक यू।